दोस्तों, वेलकम टू वांचो के ब्लॉग। और आज हम देखने आए हैं जुजुत्सु काइसन जीरो। और आओ तुम्हें थिएटर का थोड़ा सा दिखाऊं, मज़ा आ गया। देहरादून के एनिमे कम्युनिटी को देख के भाई मस्त मज़ा आ रहा है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू वांचो के ब्लॉग्स। और आज हम बात करने वाले हैं जुजुत्सु काइसन एनिमे मूवी की, जो इंडिया में रिलीज हुई है और धूम मचा रही है। ब्लॉकबस्टर हिट चल रही है, हाउसफुल चल रहे हैं इसके सारे शोज जब से रिलीज हुई है, चाहे वीकेंड्स हो या वीकडेज हो। तो इसके बारे में बात करना तो बनता है। एज एनिमे फैन मेरे को तो बहुत अच्छी लगी है मूवी। सबसे बढ़िया बात ये रही मेरे साथ कि मैंने ना ही इसका एनिमे सीरीज देखी थी, ना ही मैंने इसकी मांगा पढ़ी थी, तो मेरे लिए बिल्कुल नई स्टोरी थी, नया कॉन्सेप्ट था। इसलिए मेरे को टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं थी, ना मेरे को इससे कोई एक्सपेक्टेशन रखने की ज़रूरत थी, क्योंकि मेरे को ना कुछ पता था, तो एकदम फ्रेश स्टोरी थी मेरे लिए। हालांकि जिन लोगों ने इसकी मांगा पढ़ी थी वो इसके बारे में थोड़ा मीन में निकाल रहे थे कि इसमें क्या कमी है क्या नहीं है, लेकिन मेरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ा। तो मेरे को तो फिल्म बहुत अच्छी लगी, अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ। मेरे को फिल्म बहुत पसंद आई। मतलब ग्राफिक्स ले लो, एनिमेशन ले लो, डिटेलिंग ले लो, साउंड इफेक्ट्स ले लो, बैकग्राउंड स्कोर, भाई बैकग्राउंड स्कोर क्या गजब का बैकग्राउंड स्कोर है, मज़ा आ गया, बिल्कुल मज़ा आ गया। तो ये फिल्म है जुजुत्सु काइसन जीरो, जो मापा स्टूडियोज ने बनाई है। जापान में ये पिछले साल ही रिलीज़ हो गई थी 24 दिसंबर में, और वहाँ पे 180 मिलियन क्रॉस कर दिया था इसने। और इसकी ब्लॉकबस्टर हिट होने के बाद दुनिया के कई हिस्सों में रिलीज़ हुई थी, और इंडिया में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है इसको। तो इस बढ़िया रिस्पांस जो मिल रहा है और जो ये पैसा कमा रही है, उससे रास्ता खुल जाएगा और भी एनिमे मूवीज़ के इंडिया में रिलीज़ होने का। बहुत अच्छी मूवी है। मतलब प्लॉट इसका बिल्कुल सिंपल है। एक लड़का लड़की है, बचपन में एक दूसरे से वादा कर लेते हैं कि वो एक दूसरे से शादी करेंगे बड़े होके और हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, लेकिन लड़की का हो जाता है एक्सीडेंट और वो मर जाती है। इसके बाद स्टोरी में ट्विस्ट आता है कि वो लड़की के मरने के बाद लड़के से वादा अपना पूरा करने के लिए उस लड़की की श्रापित आत्मा उस लड़के के साथ रहने लग जाती है, और उसको जब भी स्कूल में कोई बुली करता है या परेशान करता है या चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, तो ये आत्मा उसका बैंड बजा देती है। फिर ये इस डर से कि दूसरा किसी को इसकी वजह से चोट ना लगे, तो फिर अपने आप को आइसोलेट कर लेता है, खुद को घर में बंद कर लेता है, लोगों से बात करना बंद कर देता है। जुजुत्सु हाई का एक टीचर है जो इसको कन्विंस करने आता है कि हम तुमको ट्रेन करेंगे, हमारे स्कूल में इसी चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है कि श्राप को कैसे ख़त्म किया जाए और श्राप के अगेंस्ट खुद आप कैसे दूसरों को श्राप देके और उसके श्राप को कम कर सकते हो या उसके श्राप को मार सकते हो। तो ये बहुत मज़ा आएगा आपको देखने में कि कैसे ये यहाँ पर जुजुत्सु हाई ज्वाइन करके वहाँ ट्रेनिंग करता है, वहाँ के मिशंस पर जाता है। और फिर सबसे बढ़िया बात, ये अपनी पावर को, ये जो लड़की की आत्मा है उसकी पावर को ये कैसे अपने लिए यूज़ करता है, वो देखने वाली चीज़ होती है। ग्राफिक्स इतने मस्त हैं, एक्शन सीक्वेंसेस इतने मस्त हैं कि देख के मज़ा आ जाता है, मज़ा। विलन को पता चल जाता है इस लड़के के स्कर्ट्स के बारे में, और वो फैसला करता है कि वो इस लड़के को मार के इसकी गर्लफ्रेंड की आत्मा इससे छीन लेगा, ताकि वो उसकी गर्लफ्रेंड की आत्मा को अपने हिसाब से यूज़ कर सके। जो आम लोग हैं जिनका इस जादूगरी वगैरह से और शराबों से कोई लेना देना नहीं है, उनकी प्रोटेक्शन करने की जगह ये चाहता है कि या उन पर राज किया जाए या उनको मार दिया जाए। तो अब जुजुत्सु हाई का जो टीचर है वो और बाकी टीचर सारे के सारे जुजुत्सु कम्युनिटी के जितने भी स्कूल्स हैं वो सब लोग एक साथ आते हैं इस थ्रेट से लड़ने के लिए, क्योंकि ये जो विलन है इसने खुद की लीग बना ली है।
क्योंकि ये जो विलन है, ये जुजुत्सु हाई का जब स्टूडेंट हुआ करता था तो इसने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके 100 से भी ज़्यादा लोगों को मार दिया था, जिसकी वजह से इसको स्कूल से निकाल दिया गया था। तो अब इसने खुद की लीग तैयार कर ली है, लोगों को मारना शुरू कर दिया है अपनी पावर दिखाने के लिए, लोगों में डर बिठाने के लिए और अपनी अथॉरिटी दिखाने के लिए कि हमसे ज़्यादा ताकतवर और कोई नहीं है और हम दुनिया पर राज करेंगे। अब इनसे अच्छाई और बुराई के बीच जो लड़ाई होगी वो, और कौन जीतेगा कौन हारेगा वो सब आपको तब पता चलेगा जब आप मूवी देखोगे। हालांकि अच्छाई की बुराई पर जीत होती है, लेकिन जो फाइटिंग सीक्वेंसेस है भाई, वो फाइटिंग सीक्वेंसेस देखने बनते हैं। मैं मूवी के बारे में कितना भी बोल लूँ, लेकिन जब तक आप देखोगे नहीं आपको मज़ा आएगा नहीं। पहले मूवी देखो, एंजॉय करो, उसके बाद फिर मेरे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको मूवी कैसी लगी, क्योंकि मूवी ने धमाल मचा दिया, धमाल। सब कुछ माइंड ब्लोइंग है, सब कुछ। मतलब सोचो यार, इसने बॉलीवुड मूवीज़ को टक्कर दी है, बॉलीवुड मूवीज़ के कंपटीशन में खड़े होके इसने बॉलीवुड मूवीज़ को पीछे छोड़ दिया है। पहले दिन में 1 करोड़ से भी ऊपर का कलेक्शन करके इसने ये साबित कर दिया कि बॉलीवुड मूवीज़ का लेवल गिरता जा रहा है और एनिमे का लेवल इतना ऊपर 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 जाता जा रहा है कि भाई अब फैशन बदल रहा है। अब बॉलीवुड मूवीज़ में या तो उनको इंटरेस्टिंग स्टोरी लानी पड़ेगी और या वो भूल जाएं कि अब उनका राज चलने वाला है। अब जैसा हमने पहले देखा था कि साउथ की मूवीज़ एंटर कर रही हैं और बॉलीवुड मूवीज़ की बैंड बजा रही हैं, उसके बाद फिर हॉलीवुड मूवीज़ रिलीज़ हुई थी जो बॉलीवुड को बिल्कुल बर्बाद कर रही थी, और अब बारी है एनिमेज की जो बॉलीवुड को बहुत नीचे गिराएंगी, क्योंकि बॉलीवुड में अब स्टोरी नहीं रह गई है, गाने आजकल अच्छे आ नहीं रहे हैं, डायरेक्टर्स कुछ भी बना देते हैं बिना सोचे समझे, स्टोरी में कोई सेंस नहीं बनता। मतलब भाई बना क्या रहे हो, और जो बनाते हैं अच्छी मूवीज़ भी बना रहे हैं वो ये लोग हॉलीवुड की नकल करते हैं, तो भाई हम हॉलीवुड की ओरिजिनल मूवी क्यों ना देख लें तुम्हारी नकल के अलावा। मूवी के दौरान मेरे को एक चीज़ का बहुत अजीब लगा कि जहाँ पे एफ वर्ड आया था वहाँ पे इन्होंने या तो म्यूट कर दिया था या स्क्रीन ब्लैकआउट कर दिया था, जो बात मेरे को पसंद नहीं आई, क्योंकि भाई इनके डबल स्टैंडर्ड्स कब तक चलेंगे यार, ये सेंसर बोर्ड के डबल स्टैंडर्ड्स क्यों हैं। सेंसर बोर्ड को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप एनिमे जैसे हल्के फुल्की चीज़ों को भी आप सेंसर करने में लगे हो तो OTT पे आप क्या दिखा रहे हो। OTT पे जो आ रही हैं फालतू के शोज़ और वीडियोस और जो भी आ रहा है, आप उसमें तो आप कुछ सेंसर नहीं कर रहे, उन चीज़ों को आप कट नहीं कर रहे, उन चीज़ों में आप मतलब वो अनसेंसर चल रही हैं, लेकिन एनिमे को आपको ज़बरदस्ती ब्लॉक करना है, ये डबल स्टैंडर्ड्स कब तक चलेंगे सेंसर बोर्ड के। तो बस यही कहना था मेरा सेंसर बोर्ड को लेकर। तो आपको क्या कहना था एनिमे मूवीज़ को लेकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरे ब्लॉगिंग वीडियोस आते रहेंगे, उसके अलावा अब मैं एनिमे कंटेंट भी डालने वाला हूँ, तो मेरे एनिमे कंटेंट को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बटन को भी क्लिक कर दो ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहें, और मेरे चैनल के साथ बने रहना, मैं टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ डालता रहूँगा, कम से कम हफ्ते में मेरा एक वीडियो तो आएगा ही आएगा, बहुत कुछ है बनाने को और मैं बहुत कुछ बनाऊँगा भी, तो मेरे चैनल के साथ बने रहना। चलो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।